नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को देश भर में बेहद उत्साहपूर्वक मनाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापक रूप से प्रयास कर रहा है। इस अभियान के कारण देश भर में लगभग 35 करोड़ तिरंगे झंडे की बिक्री होगी, जिससे करीब 600 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। पिछले वर्ष यह बिक्री लगभग 500 करोड़ रुपए थी। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने देश के सभी व्यापारियों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपनी दुकानों एवं घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की। साथ ही अपने कर्मचारियों को तिरंगा झंडा वितरित करने के लिए कहा, जिससे वो अपने घरों पर लगा सके। विपक्ष शासित केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर दस्तखत नहीं किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को अनिवार्य करता है और जिसके तहत अगले 3 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन होना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य संचालित केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका नाम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कई विपक्षी शासित राज्यों के अधिकारियों का आरोप है कि नई शिक्षा नीति में सुधारों के लिए राज्य को कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया गया है। ऐसे में समझौते पर दस्तखत नहीं किया सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से आज सुबह अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी से बड़ी मांग की गई है। वीडियो में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे बाद लाल किले से देश की जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में बीते 9 साल से आपके मन की बात देश ने सैकड़ों घंटे सुनी है। जनता ने जुड़े मुद्दों पर आप हमेशा मौन रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार लाल किले से आमजन के हित की बात करेंगे। देश की जनता उम्मीद कर रही है कि आप मणिपुर पर सच बोलेंगे। बिहार की तरह ही पूरे देश में जाति आधारित गणना करवाने की घोषणा लाल किले से कीजिए। वेगोबी और ओजम्पिक जैसे वजन घटाने वाली दवाएं लेने वाले मरीजों को अगर भविष्य में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें एनेस्थीसिया लेने के लिए खाली पेट रहना पड़ता है, तो उनके जीवन पर खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं है कि मोटापा विरोधी दवाएं लेने वाले कितने मरीज इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हुबाई ने सुझाव दिया है कि अगर मरीज किसी कारणवश सर्जरी कराता है तो डॉक्टरों को पहले इस बारे में जानकारी दे दी कि वह वेगोबी या फिर इसी प्रकार की दवाओं का सेवन करते हैं, ताकि डॉक्टर इसके जोखिमों और लाभों पर चर्चा कर सके। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर ने एमपी में काबा पार्ट 2 जारी कर दिया है। उन्होंने इस पर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अब कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें कमीशन खोर सरकार और लप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ उन्होंने सीएम शिवराज की तुलना चोट से भी कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 जुलाई को नेहा सिंह राठौर ने एमपी में काबा का पहला गाना रिलीज किया था, जिसके बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले ट्विटर के नाम से जाने वाले एक्स पर अपना ब्लू टिक खो दिया है, क्योंकि बीसीसीआई ने प्लेटफॉर्म पर डीपी को तिरंगे में बदला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन करने के लिए नागरिकों से अपना डीपी बदलने का आग्रह करने के बाद बीसीसीआई ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा सेट किया। कुछ नेटिजन्स ने बताया कि बीसीसीआई ने पीएम मोदी के अनुरोध के बाद अपनी डीपी को तिरंगे में बदल दिया, इसलिए उसने ब्लू टिक खो दिया। तेज गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए विभाग की तरफ से एसी हेलमेट के लिए नया प्रयोग शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक हेलमेट को पावर देने के लिए बैटरी का यूज किया गया है, जो पुलिस कर्मचारियों को चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ धूल धूप और प्रदूषण से बचाएगा। इस प्रयोग के चलते हाल ही में अहमदाबाद में ड्यूटी के दौरान कुछ पुलिसकर्मी एसी हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए। इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है, जो एसी की तरह ठंडी हवा देता है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक और उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए उसे 24 से 25 अगस्त को इंदौर में आयोजित होने वाली 26वीं ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खुशी जताई है। योजना से जुड़े सभी कार्मिकों को बधाई दी है। बता दें कि मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन को केंद्र सरकार की ओर से ई गवर्नेंस स्कीम के तहत यह सिल्वर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार देर रात पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आवाम को संबोधित करते हुए भारत को लेकर कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के विचार से समझौते को तैयार नहीं हुआ है, इसलिए वह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाते हुए कहा कि दुनिया को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी आक्रामक विचार हमें मजबूर नहीं बना सकता। हमारा प्रतिद्वंदी राजनीतिक फायदे के लिए हमारे खिलाफ अपने मंसूबों को बढ़ा रहा है। हरियाणा के पलवल में पुंडरी में हिंदू महापंचायत प्रशासन की कुछ शर्तों के साथ संपन्न हुई। प्रशासन ने महापंचायत में सिर्फ 500 लोग और कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देने का सख्त निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन के निर्देश के बाद भी महापंचायत में करीब 5,000 लोग इकट्ठा हो गए और भड़काऊ बोल बोले गए। महापंचायत में कहा गया कि तुम उंगली उठाओगे तो हम हाथ काट देंगे, यही भाषा उन्हें समझ आती है। ये मेवात को सरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। यदि वे एक मारे तुम 5 मारो, यही समस्या का समाधान है।
क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपील पर राष्ट्रपति भवन में बॉलीवुड फिल्म गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित हुई। भारत सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने इस तरह के दावों वाली मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। यूनिट की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन में फिल्म की स्क्रीनिंग एक नियमित कार्यक्रम है। इसमें कहा गया कि मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट की ओर से कहा गया कि रेगुलर स्क्रीनिंग है जो राष्ट्रपति भवन में होती है। राष्ट्रपति ने ऐसी किसी स्पेशल स्क्रीनिंग की इच्छा नहीं जताई थी। रेड कार्ड रूल अब आपको क्रिकेट में भी देखने को मिलने वाला है। जी हां, कैरेबियन प्रीमियर लीग में रेड कार्ड का ये नया नियम लागू होने जा रहा है। अगर कोई टीम निर्धारित समय के अंदर अपने 20 ओवर नहीं फेंक पाती है तो स्लो ओवर रेड के चलते उसे ये सजा दी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि बल्लेबाजों की तरफ से देरी होने के चलते यदि स्लो ओवर रेड की प्रॉब्लम होती है तो सजा किसे मिलेगी। दरअसल यदि बल्लेबाजी टीम की वजह से देरी होती है तो अंपायर पहली बार चेतावनी देगा और फिर फाइनल वार्निंग देगा। यदि तब भी बल्लेबाजी टीम ये गलती दोहराती है तो 5 रन का जुर्माना ठोका जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्था यूनेस्को ने हाल ही में अपनी शिक्षा में तकनीक पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर यूनेस्को का कहना है कि स्कूल में स्मार्टफोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध यानी बैन लगा देना चाहिए। साफ शब्दों में कहे तो छात्रों से फोन ले लेना चाहिए। यूनेस्को ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्कूलों में बच्चों को मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है और डिजिटल तकनीक का एक उपकरण के तौर पर काम होना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला 3 नए बिलों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये विधेयक लंबे समय से चले आ रहे कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को बदलाव को लेकर है। सुरजेवाला का मानना है कि न्यायाधीश, वकीलों, अपराध के विशेषज्ञों, बदलाव चाहने वाले लोगों और नियमित लोगों के लिए इन विधेयकों के बारे में बात करना और अपनी राय साझा करना महत्वपूर्ण है। सुरजेवाला ने लोकसभा में पेश 3 विधेयकों पर न्यायाधीश, वकीलों, न्यायविदों, अपराधीविदों, सुधारकों, हितधारकों और आम जनता के बीच चर्चा कराने को रविवार को मांग की। साल 2023 अभी करीब आधा ही गुजरा है और 87,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे हैं। बीते 5 साल के आंकड़े तो बड़ी चिंता की ओर इशारा करते हैं, जिसके दौरान 8 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। सरकार का कहना है कि ये लोग निजी कारणों के चलते देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जानकारी दी कि इस साल जून 2023 तक यानी महज 6 महीनों में ही 87,026 लोग भारत छोड़ चुके हैं। वहीं 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 50,256, 2021 में 1,63,370, 2022 में 2,25,620 लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चलाने वाली कंपनी अन अकेडमी के टीचर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुरुष टीचर ऑनलाइन क्लास के दौरान भारतीय राजनेताओं को लेकर विवादित टिप्पणी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में कानूनी मामलों के एक शिक्षक को दर्शकों ने उन राजनेताओं को वोट न देने की अपील करते देखा जा सकता है जो अनपढ़ हैं और सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं। वीडियो में वह कहते हैं कि याद रखें कि जब भी आप अगली बार वोट करें तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनें ताकि आपको दोबारा इस स्थिति का सामना न करना पड़े। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है जो एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी करने में सक्षम है। हेरॉन मार्क 2 नाम के ये ड्रोन भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे दुश्मन की तुरंत जानकारी हासिल कर लेगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 70 हेरॉन ड्रोन को उपग्रह संचार लिंक के साथ विकसित किया जाएगा। इसरो ने अपने नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी है जहां उसकी नजर अब सूरज पर है। इसरो आदित्य एल एक सैटेलाइट बना रहा है जिसे सूर्य के अध्ययन करने के मिशन पर भेजा जाएगा। यह देश का पहला सोलर मिशन होगा। इस बारे में इसरो के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य एल एक प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रही है। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में साकार किया गया उपग्रह STSC-SHAR श्रीहरिकोटा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की भविष्यवाणी की है। जब भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, मौसम विभाग ने मंगलवार को न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है और इसके साथ ही 15 अगस्त की शाम के समय बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भतीजे अजीत पवार के साथ पुणे में हुई उनकी मुलाकात को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। पवार ने बारामती में संवाददाताओं को बताया, MVA एकजुट है और हम 31 अगस्त 1 और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की अगली बैठक का सफल आयोजन करेंगे। भारत का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के निकटवर्ती कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि चंद्रयान को चंद्रमा 3 की सतह के नजदीक लाने की प्रक्रिया शुरू। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर रह गई है। उसने बताया कि अगली प्रक्रिया को 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दिया जाने की योजना है।
अक्षय कुमार और परेश रावल स्टारर ओएमजी की रिलीज के एक दशक बाद सुपरहिट फिल्म की दूसरी इंस्टॉलमेंट 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ओएमजी 2 का थिएटर में सनी देओल की गदर 2 से सीधा क्लैश रहा। हालांकि अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी की दमदार एक्टिंग से सजी ओएमजी 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है। इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 43 करोड़ रुपए की शानदार कमाई भी कर ली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीमा कंपनियों पर लगे कर चोरी के आरोपों की जांच पूरी कर ली है। जांच में डिपार्टमेंट को बीमा कंपनियों के द्वारा कमीशन के भुगतान में अनियमितताओं का पता चला है और हजारों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी जानकारी मिली है। ईडी की एक रिपोर्ट में इनकम टैक्स के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि जांच में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान को छुपाए जाने की जानकारी मिली है। इसके ऊपर करीब 4,500 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी बन सकती है। प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऑफर सेल की शुरुआत की है। इस ऑफर सेल के तहत आप सिर्फ 1,515 रुपए में फ्लाइट टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा 2,000 रुपए का फ्लाइट वाउचर भी ले सकेंगे। वहीं ऑफर के तहत 15 रुपए का शुल्क देकर अपनी पसंदीदा सीट रिजर्व कर सकते हैं। इस टिकट की बिक्री अवधि 14 से 20 अगस्त के बीच की है। वहीं यात्रा की अवधि 15 अगस्त 2023 से 30 मार्च 2024 तक है। एडीजीपी विजय कुमार जम्मू कश्मीर पुलिस के उन 55 पुलिस अधिकारियों में से हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति ने उनकी सेवा में अटूट समर्पण और दृढ़ संकल्प के लिए प्रतिष्ठित पुलिस पदक वीरता से सम्मानित किया है। एक अधिकारी ने बताया कि एडीजीपी विजय कुमार के अलावा यह पुरस्कार पाने वाले अन्य पुलिस अधिकारियों में वर्तमान डीआईजी सीकेआर सुजीत कुमार, पूर्व डीआईजी दक्षिण कश्मीर अब्दुल जब्बार और पूर्व एसएसपी कुलगाम जीवी संदीप चक्रवर्ती है। पुलिस वीरता पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में विशिष्ट वीरता के प्रदर्शन को देखते हुए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य बलों के 954 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक देने की सोमवार को घोषणा की गई। इसमें बिहार पुलिस से जुड़े हुए 21 पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसमें वीरता के लिए पुलिस पदक से 2 पुलिसकर्मी, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2 पुलिसकर्मी और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 17 पुलिस वालों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के कोसी क्षेत्र में एक बार फिर से बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। कोसी नदी में 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोसी बराज से 6,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे इलाके में भारी तबाही आ सकती है। साथ ही इससे कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। ऐसे में सुपौल डीएम ने जिले के सभी मुखिया को फोन कर अलर्ट कर दिया है। तटबंध के भीतर बसे लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर लोगों को बाढ़ के खतरे से सचेत रहने और जरूरत पड़ने पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर 1800-345-6145 पर संपर्क करने की अपील की है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 65% अपराध के पीछे की वजह जमीन विवाद ही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2022 में विधानसभा में खुलासा किया था कि बिहार में कुल हत्याओं की 60% हत्याएं जमीन विवाद के कारण ही होती है। एनसीआरबी के एक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर पांचवी हत्या का कारण जमीन विवाद ही होता है। आंकड़े के अनुसार साल 2021 में बिहार में 1,081 हत्याएं हुई जिसमें से 635 हत्याएं जमीन या संपत्ति के कारण हुई है, जिसका मतलब हत्या के 59% मामले सिर्फ जमीन या संपत्ति विवाद से जुड़े हैं। बिहार में बहुत जल्द ही 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन की ओर से मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इसकी जानकारी आज दैनिक अखबार हिंदुस्तान के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में दी गई है। मालूम हो कि इन 10,000 से अधिक पदों में अधिकांश नियुक्तियां बीपीएससी एवं कर्मचारी चयन आयोग में हो सकती है। वहीं चिकित्सकों की नियुक्ति तकनीकी सेवा चयन आयोग एवं अन्य कई पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 78 साल के एक व्यक्ति को ट्रेन का टिकट कैंसिल कराना भारी पड़ा। दरअसल लंबी लाइनों से बचने के लिए बुजुर्ग ने ट्रेन टिकट को ऑनलाइन कैंसिल करना सही समझा, लेकिन इस दौरान वह एक स्कैम को शिकार हो गया और उनके बैंक अकाउंट से 4,00,000 रुपए गायब हो गए। दरअसल बुजुर्ग ने IRCTC की वेबसाइट को सर्च किया, लेकिन वह एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच गया। इसके बाद खुद को रेलवे का कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति ने बुजुर्ग को कॉल किया और मदद के बहाने उनके खाते से 4,05,919 रुपए गायब कर दिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, दीपक कुमार, एचके मल्होत्रा, अनवर करीम खान, संजीवनी, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आप अपने घर पर तिरंगा लगा रहे हैं या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।